तो फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को हम लोग थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं। और लास्ट टाइम पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरह से हम रिजल्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। अब अगर हम एक रिजल्ट के हिसाब से कुछ एक डिसीजन अगर लेना हो कि किस स्टूडेंट का एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी कुछ एक रूल्स को फॉलो करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि उन्होंने कहा कि 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं, तो 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स में से अगर हम बेस्ट 4 ले लें और उसके हिसाब से परसेंटेज कैलकुलेट कर लें, और बेस्ट 4 का जो परसेंटेज है अगर वो 95% से ज्यादा है, तो आपको DU में एडमिशन मिल जाएगा। ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं, इट इज नॉट द ट्रू ऑलवेज, बट यस, बेस्ट 4 का तो कॉन्सेप्ट वहाँ पे DU में चलता है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, और ये स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें कि नेम, रोल नंबर और मार्क्स हमारे एंटर्ड है यूजर से, और या स्ट्रक्चर हमने डिक्लेयर कर लिया है, और हमने फिर एक लूप का लगा के सभी मार्क्स और रोल नंबर और नेम्स को यूजर से इनपुट करा लिया है। फिर इसके बाद बस हमें पूरा रिजल्ट डिस्प्ले नहीं करना है, हमें केवल एक चीज बतानी है कि क्या ये स्टूडेंट ये स्टूडेंट एलिजिबल है कि नहीं है एडमिशन के लिए। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले ये जो फॉर्मेट हमारा प्रिंटिंग का, हम सबसे पहले इसको करेक्ट करते हैं। तो फॉर्मेट में क्या है कि रोल नंबर है, मार्क्स है, टोटल है, परसेंटेज है, एंड देन उसके बाद फिर हम मान लेते हैं कि एक और चीज है, वो है एलिजिबल और नॉट। तो हम बस ऐसे ही ले लेते हैं, उसके बाद फिर स्लैश एन से न्यू लाइन में आ जाएंगे, थोड़ा सा अपना सेग्रीगेटेड लाइन को लेंथन कर लेते हैं। देन इसके बाद हमें स्टूडेंट के बारे में डिस्प्ले पूरा डेटा तो करना ही है, लेकिन साथ साथ कुछ कैलकुलेशन के साथ करना है। तो हमें सबसे पहले परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, टोटल एंड देन परसेंटेज। तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसका नाम दे देते हैं टोटल, और एक वेरिएबल दे देते हैं जिसका नाम है परसेंटेज। परसेंटेज ऑब्वियसली फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू हो सकती है, तो हम सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल। तो टोटल विल बी इक्वल्स टू जो 5 सब्जेक्ट्स के नंबर हैं उन्हीं को आप टोटल कर लीजिए, दैट विल बी द टोटल। तो हम यहाँ पे टोटल के लिए फार्मूला लगा देते हैं। तो द फार्मूला इज SI.M1 प्लस SI.M2, M3, M4 एंड M5। सो ऑब्वियसली यही होगा। इसके बाद हम क्या करते हैं कि टोटल को डिस्प्ले करा देते हैं। एंड देन उसके बाद टोटल को डिस्प्ले कराने के बाद हमें परसेंटेज को डिस्प्ले कराना है। तो परसेंटेज के लिए मेरे पास एक वेरिएबल है परसेंटेज नाम का, सो दैट विल बी इक्वल्स टू टोटल डिवाइडेड बाई 5.0। तो ये हमारा परसेंटेज हुआ, लेकिन हमने यहाँ पे क्राइटेरिया ये लगाया है कि बेस्ट 4 ही कैलकुलेट होंगे। तो बेस्ट 4 को कैलकुलेट करने के लिए मान लेते हैं कि मेरे पास एक फंक्शन है जो कि मिनिमम फाइंड करता है आउट ऑफ द 5 वेरिएबल्स। तो हम इसमें 5 वेरिएबल्स पास कर देते हैं, और ये मुझे पांचों का मिनिमम रिटर्न कर देगा, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं। तो लेट से मिनिमम फंक्शन को हमने कॉल किया, और जो भी मिनिमम वैल्यू आएगी उसको हम मिन वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, ऐसा हम मान रहे हैं। इंटीजर मिन ले लिया हमने, और मिन में हमने मिनिमम को स्टोर करा लिया, मिनिमम फंक्शन को भी हम डिजाइन करेंगे। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं कि मिनिमम फंक्शन के मिनिमम में जो भी वैल्यू आएगी उसको हम टोटल में से माइनस कर देंगे, एंड देन इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, यही हमारा परसेंटेज होगा। एंड फाइनली हम परसेंटेज को भी डिस्प्ले कर देंगे। तो परसेंटेज को डिस्प्ले करने के लिए परसेंटेज, और चूंकि परसेंटेज हमारा फ्लोट टाइप की वैल्यू है, इसलिए हम यहाँ पे फ्लोट का यूज करते हैं, परसेंटाइल एफ का यूज करते हैं। और अगर हम चाहें तो डेसिमल के फिक्स पॉइंट्स तक डिस्प्ले करें, जैसे हम 2 पॉइंट्स तक डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो 0.02F। इसके बाद फिर न्यू लाइन में आ जाएंगे। तो जब हमें टोटल प्रिंट करना है, तो उसके बाद हमें परसेंटेज भी प्रिंट करना है। एक चीज हमें और डिस्प्ले करनी है कि क्या ये एलिजिबल है या नहीं है। तो अब ये कंडीशनल होगा। कंडीशनल क्या होगा कि अगर जो हमने परसेंटेज फाइंड किया है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 95, तो ये एलिजिबल है। तो प्रिंट एफ सेलेक्टेड, और एल्स में हम प्रिंट कर देते हैं प्रिंट एफ सॉरी यू आर नॉट सेलेक्टेड।
अगर ये बड़ा सेंटेंस आपको लग रहा है तो जस्ट सॉरी आप प्रिंट कर दीजिए, दैट्स इट। फाइन, तो सॉरी को प्रिंट करने के बाद या सेलेक्टेड को प्रिंट करने के बाद हमें न्यू लाइन में आना पड़ेगा, लेकिन परसेंटेज को प्रिंट करने के बाद हमें टैब प्रिंट करना चाहिए। मिनिमम फंक्शन डिजाइन कर लेते हैं। मिनिमम फंक्शन को हम मेन के ऊपर डिफाइन करेंगे और मिनिमम फंक्शन का फॉर्मेट देख लेते हैं क्या है। मिनिमम में 5 वैल्यूज पास हुई हैं। मिनिमम फंक्शन का जो फॉर्मेट है उसमें एम अपर केस में है और यहाँ पे 5 वैल्यूज पास है, ए बी सी और डी और ई। इसके बाद इसमें हम एक मेन वेरिएबल मान लेते हैं और उस मेन वेरिएबल को ए के इक्वल कर देते हैं, फिर बाकी से हम इसको कंपेयर करा देंगे। तो अगर मिनिमम इज लेस देन बी देन मिन इज इक्वल्स टू बी। इसी तरह से सबसे कंपेयर करा लीजिए, तो आपको बी के बाद सी से कंपेयर कराना होगा, डी से भी कंपेयर कराना होगा, ई से भी कंपेयर कराना होगा, लास्ट में मिन को हम रिटर्न कर देंगे। फाइन, मिन को हमने रिटर्न कर दिया तो मिनिमम का जो रिटर्न टाइप है वो इंटीजर होगा। तो हमने डेटा इनपुट करा लिया है और डेटा को इनपुट कराने के बाद मिनिमम कैलकुलेट कर लिया है मिनिमम फंक्शन से, और मिनिमम में जो भी वैल्यूज आ रही हैं उसी के हिसाब से हमने टोटल में से उसको माइनस कर दिया। टोटल में से इसलिए माइनस किया क्योंकि बेस्ट फोर का मतलब यही होगा कि पांचों को ऐड करके हम उसमें से मिनिमम को रिमूव करते हैं। बहुत ही छोटी सी एरर है, अगर आप ध्यान से देखें कि हमने यहाँ पे प्लस करके मिनिमम में पास कर दिया है, इसको चेंज कर देते हैं, इनको अलग अलग पास करते हैं। यहाँ पे एक सेमी कॉलन होना चाहिए। कोड में एक छोटा सा और करेक्शन कर लेते हैं। हमने मिनिमम का जो कोड लिखा है वो थोड़ा सा गलत लिखा है। इसमें बी को मिनिमम से एंड देन सी को मिनिमम से एंड देन डी को मिनिमम से एंड देन ई को मिनिमम से कंपेयर करना है, और अगर ये छोटे हुए तो मिनिमम को नई वैल्यू सेट कर देना है। तो अकॉर्डिंगली हमारे यहाँ से मिनिमम मिल जाएगा और मिनिमम रिटर्न हो जाएगा। एंड देन हम यहाँ पे परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं टोटल में से मिनिमम को माइनस करके, एंड देन 4 से हमें डिवाइड करना है क्योंकि हमें जो परसेंटेज कैलकुलेट करनी है वो 400 नंबर के रेस्पेक्ट में करना है। तो आइए इसको रन कर लेते हैं। तो मेरे पास एक हमें एंटर करना है नेम, लेट्स से एबीसी नेम है, रोल नंबर 98201, नंबर रैंडम ले लेते हैं 98 99 96 91 और 92। फिर दूसरा स्टूडेंट बी सी डी 98202, लेट्स से रोल नंबर 96 97 96 93 91 और 90, देन इसके बाद 98203। सबसे पहले नाम एंटर कर लेते हैं, सो नाम है लेट्स से सी डी ई, देन 98203 इसका रोल नंबर है, 90 96 92 91 और 93। फिर इसके बाद डी ई एफ नाम का स्टूडेंट ले लेते हैं 98204 रोल नंबर का, एंड देन इसमें नंबर ले लेते हैं 93 93 92 98 है 98। पांचवा स्टूडेंट हमारा है ई एफ जी नाम का, लेट्स से इसका 98205 इसका रोल नंबर है और इसके नंबर 91 92 97 98 और 90। तो अब हमें देखना है कि एलिजिबल है या नहीं है। तो आप देखें कि जो पहला स्टूडेंट है उस पहले स्टूडेंट का जो एवरेज मार्क्स है या जो उसका परसेंटेज है वो 96.25 है इसलिए सिलेक्टेड है। दूसरा स्टूडेंट का थोड़ा कम है 94.25 इसलिए सिलेक्टेड नहीं है। थर्ड स्टूडेंट भी सिलेक्टेड नहीं है क्योंकि इसका 93 है इसका एवरेज, और फोर्थ स्टूडेंट इसका 95.5 है इसलिए सिलेक्टेड है, और जो लास्ट स्टूडेंट है उसका 94.5 है इसलिए भी सिलेक्टेड नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। वी विल कम अगेन विद अ न्यू कॉन्सेप्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।